खबरों में बात करते हैं राजस्थान के बाड़मेर के, जहां पर प्रारंभ में विशाल गांव में लूट के इरादे से हुए हत्याकांड का खुलासा कर दिया आज राजस्थान पुलिस ने। वहीं आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी ने बताया कि श्री बाबूराम पुलिस थाने बाड़मेर ग्रामीण ने घटनास्थल विशाल पर लिखित में रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट में लिखा कि मेरे पिता दुर्गाराम अपने आवास में अकेले रहते थे। वहीं आज शाम करीब 8 बजे बाबू खां अपने घर से बस स्टैंड जा रहा था, तभी उसने मेरे पिताजी के चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरे चचेरे भाई को बताया। तब जोगीराम व तमुराम ने जाकर मेरे पिताजी को संभाला तो वो लहूलुहान थे, तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। बाबूराम जी के माध्यम से मुझे पुलिस को सूचना मिलती है, हमारे ग्रामीण थाना पुलिस को, मौके पे SHO CO एडिशनल SP सारे जाते हैं। मैं भी उस रात कहीं बाहर से आ रहा था, बहुत लेट नाइट थे, 2 बजे करीब पहुंच पाया। इस पर एक प्रकरण हमने 159/2019 IPC का दर्ज किया। घटनास्थल जैसा था, जो मृतक थे वो अपने परिवार तो उस गांव में रहता था, लेकिन वो उनसे अलग गांव के बिल्कुल एंड में एक कमरा था, अकेले रहते थे उसके अंदर, और गहने इत्यादि पहनने का, उनको जेवर पहनने का बड़ा शौक था, सब अंगूठियाँ और चेन वेन वो धारण करते थे। वहाँ से शुरुआत हुई, प्रथम दृष्टया उनके हाथों से अंगूठियाँ होंगी या कानों की मुरकियाँ सब गायब थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये मर्डर फॉर लूट है, घटनास्थल इसे इंगित कर रहा था, और अज्ञात था, ब्लाइंड था। सबसे पहले सूचना जाति से मांगणिया और ढोली, आप लोकल भाषा में मुसलमान मिरासी कहते हैं, उनके माध्यम से उन्होंने भतीजे को दी कि करा रहा है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से। वैसे वो रोज़ भी आवाज़ आती थी, कहते हैं दारू पी के चीखते होंगे, आज बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे। तो उनके माध्यम से सूचना मिली, उनके भतीजे आए, तो परिवार गाँव के दूसरे छोर पर रहता था, उसने देखा, हॉस्पिटल ले गए और फिर उनकी डेथ हो जाती है। 2-3 दिन पुलिस ने तफ्तीश करी, कई सारे एंगल उसमें आए, उस एंगल से पुलिस आगे बढ़ी। अनफॉर्चुनेटली हमें लग रहा था हम शायद 24 घंटे में इस मर्डर का खुलासा कर देंगे, लेकिन हमें कामयाबी नहीं मिली। जब कामयाबी नहीं मिली और तीसरे दिन पुनः प्रतिनिधिमंडल आया MLA मेवाराम जैन जी के साथ में, उन्होंने पहले लाश के डिस्पोजल में भी हमारा सहयोग किया था, तभी मेरे द्वारा फिर एक टीम एडिशनल SP खीम सिंह भाटी के नेतृत्व में गठित की गई, जिसमें ये दीप सिंह SHO थे और हमारी स्पेशल टीम टेक सेल के कुछ बड़े अच्छे सिपाही हमारे पास हैं, उनको सम्मिलित किया गया। लगातार सर्वेलेंस प्रारंभ की गई और 2-3 कहानियां जो चल रही थी, हमें उसमें से फिल्टर करना था। कई लोगों से हम पूछताछ कर रहे थे और अपने शक के आधार पर वो कुछ बताते थे, कुछ उनके बताने से हम गुमराह भी होते थे, लेकिन अल्टीमेटली हमें एक लीड मिली और वो लीड हमें ले गई पूना तक। हमारी टीमें पूना पड़ी रही, जहाँ से कि हमने मेन एक्यूज्ड को, जो भी आपके सामने आएगा, जिसका कि नाम शब्बीर खां पुत्र बाबू खां, जाति मिरासी, उम्र 22 साल, निवासी विशाला है, उसको हमारी टीम ने गिरफ्तार किया। वहाँ मिलिट्री एरिया है, उसमें लेबर करीब 2,500 लेबर पड़ी हुई है, उसमें से हमारी टीम वहाँ पड़ी रही 5-7-10 दिन तक, लगातार उनको तलाशते रहे। अल्टीमेटली वो हमारे हाथ चढ़े और लेकर के आए और यहाँ आके उनसे इंटरोगेशन की सारी प्रक्रिया हुई। और हमें माल भी चाहिए था, जो माल मशरूका है जो उनसे लूटा गया था, छीना गया था, इसके अतिरिक्त जो आलाय जर्ब हथियार, जो चाकू इत्यादि थे जिसके माध्यम से यह हत्या कारित की गई थी, तो वो सारी चीज़ें थी। उस एविडेंस के संदर्भ में जो उनसे लगातार पूछताछ की जा रही थी, उसका थोड़ा विलंब हो रहा था। मैं बार बार कह रहा था कि हमें एविडेंस तक पहुंचने में थोड़ा सा विलंब हो रहा है। अल्टीमेटली मेरी टीम को सफलता मिली और एक ब्लाइंड मर्डर का कल हमारे द्वारा खुलासा हुआ। अभी तक की जो घटना है वो शब्बीर खां और इनके साथ एक नाबालिग बच्चा भी है, रिश्ते में इनका भाई लगता है, क्योंकि वो नाबालिग है इसलिए हम उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते और उसका नाम भी नहीं मैं बता सकता। मुख्यतः ये दो लोग इस घटना में शामिल थे। अभी तक प्रथम दृष्टया लूट का ही एंगल
पुलिस की स्टोरी से स्थापित हुआ है कि आते जाते उस डोकरे को देखते थे जो तमाम जेवरातों के साथ में वहाँ रहता था, उसके चलते इन्होंने ये घटना कारित करी। पहली बार पूछताछ के लिए पुलिस दूसरे तीसरे दिन इनको ले आई थी, तब हम सफल नहीं हो पाए थे। उसके बाद यहाँ जो धरना प्रदर्शन हो रहे थे उसमें ये शब्बीर खान साहब लीड लेकर के आते थे और गिरफ्तारी की मांग भी करते थे कि तुरंत मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाए। अंतोगत्वा आज 25 दिसंबर है, 23 से 24 21 दिन लगभग बाड़मेर पुलिस को लगे, टीम को सफलता मिली है। और आगे इस कहानी का यदि कोई कॉन्स्पिरेसी का नेट है तो हम इसको रिमांड पे लेंगे, उससे और पूछताछ करेंगे, तो वो नेक्स्ट स्टेप में अगर कोई डेवलपमेंट होगा तो आपको निवेदन किया जाएगा। आज तक के अनुसंधान से इस अभियुक्त ने जुर्म कबूल किया है, अपने साथ जो नाबालिग एक और इसका भाई लगता है उसका होना कबूल किया है। घटना पूरी हमको बताई है, सुबह फर्द नक्शा मौका दीप सिंह जो इसके आईओ हैं उनके द्वारा बनाया गया है, और हर उस जगह पे जहाँ पे भी चाकू इनके द्वारा फेंका गया और जहाँ पे ये